हेलो दोस्तों, गेट्स मैशेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम एक एग्जांपल के थ्रू डिस्कस करने जा रहे हैं कि कैसे हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज को आपस में कंपेयर करते हैं, मतलब कौन सी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बड़ी है, कौन सी छोटी है। इसको डिस्कस करने के लिए हम एक एग्जांपल जो है यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि कैसे हम वेरियस टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज को कंपेयर करते हैं, लेकिन जब तक आप इनके ऊपर क्वेश्चंस नहीं करोगे तब तक आप कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से नहीं कर पाओगे, क्योंकि यही क्वेश्चंस का बेनिफिट होता है। जितने ज्यादा वैरायटी के क्वेश्चंस आप करोगे, कॉन्सेप्ट के ऊपर पकड़ उतनी ही मजबूत होती जाएगी, क्योंकि क्वेश्चंस में आप उन कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हो और अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस करोगे तो उतना ही कॉन्सेप्ट आपका बिल्ड होता जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में मेरे पास F1 है, मतलब एक फंक्शन दिया हुआ है और उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है n स्क्वायर log n, और एक दूसरा F(2n) यहाँ पे है, दैट इज n log n, n log n की पावर जो है वो 10। अब यहाँ पे मेरे पास क्वेश्चन में पता करना है कि क्या F1n जो है वो बड़ा है या F2n जो है वो बड़ा है। इस तरीके से कई बार ऑप्शन भी आ जाते हैं कि लेट्स से F1n इज बिग ऑफ F2n, या फिर लेट्स से F1n इज ओमेगा ऑफ F2n। इस तरीके से जो है कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो यहाँ पे जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए आपको कैसे चेक करना है, एक मेथड है वैल्यूज पुट करके। वैल्यूज पुट करके देखो, लेट्स से मैं इसमें वैल्यू पुट करता हूं, n की वैल्यू हम ले लेते हैं लेट्स से 16। अब n की वैल्यू अगर मैं 16 लेता हूं तो लेट्स से log हम ले लेते हैं यहाँ पे 2। log अगर मैं 2 ले लेता हूं, दोनों तरफ 2 ले लिया, तो लेट्स से क्या वैल्यू आई, log 16। log 16 कितना होता है 4, और यहां पे n की वैल्यू को अगर आप 16 पुट करोगे तो 16 स्क्वायर इनटू 4, यही आंसर आएगा। और यहां पे अगर मैं पुट करता हूं तो n की वैल्यू को 16 पुट किया, log 16 व्हिच इज व्हाट 4, तो 16 इनटू 4 पावर 10। तो यहां पे आपको क्लियरली दिख रहा है कि इन दोनों टर्म्स में से बड़ी टर्म कौन सी है, ये वाली जो है वो बड़ी टर्म है। लेकिन ऑप्शन को लगाने से पहले अच्छे से चेक करना जरूरी है। हमने यहां पे n की वैल्यू को लिया छोटा, लेकिन जब भी आपको इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं आप n की वैल्यू को छोटी नहीं लेनी, n की वैल्यू को आप बड़ा करके देखो। अगर छोटी वैल्यू में आपको आ रहा है तो फाइन है, लेकिन अगर आपको बड़ी वैल्यूज में डेफिनेटली चेक करना है, क्योंकि बड़ी वैल्यू से ही आपको पता लगेगा कि दोनों में से डोमिनेटिंग टर्म कौन सी है। लेट्स से बड़ी वैल्यू लेते हैं, एन की वैल्यू को मैं 10^9 पुट करता हूं, 10^9 1 बिलियन पुट करते हैं, और सिंप्लीफिकेशन के लिए मैं यहां पे लॉग का जो बेस है वो 10 ले लेता हूं दोनों तरफ, ताकि मेरे को इजीली जो है वो कैलकुलेशन कर सकूं। अब लेट्स से 10^9 का स्क्वायर हम यहां पे लिखते हैं और लॉग बेस 10^9 यही आएगा, यहां पे भी पुट कर देते हैं 10^9 लॉग 10^9 की पावर 10। इस तरीके से जो है वो आप लिख सकते हो। अब ये इसका मतलब क्या है, 10^9 इनटू 10^9 विच नाउ log 10 10^9 क्या आंसर आएगा, ऑब्वियसली आंसर आएगा 9, क्योंकि 10^9 मतलब कितनी पावर में जा रहा है, ये 9 पावर में जा रहा है। तो यहां पे आंसर मेरे पास कितना आ गया, 9 आंसर यहां पे आ गया। और यहां पे अगर आप सॉल्व करते हो तो 10^9 और इसको जब आप सॉल्व करोगे ऑब्वियसली आंसर कितना आएगा, 9 की पावर 10। इस तरीके से आप लिख सकते हो। अब लेट्स से दोनों तरफ 10^9 से अगर मैं डिवाइड कर दूं, दोनों तरफ अगर हम डिवाइड कर दें तो ये देखो ये वाली दोनों वैल्यूज कट गई, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 10^9 इनटू 9, और ये बन गई 9 इनटू 9 की पावर 9। एक 9 मैंने यहां से निकाल लिया, क्यों निकाला, क्योंकि मैंने ये 9 यहां से कैंसिल कर दिया। अब देखो 10^9 है, यहां पे 9^9 है, तो दोनों में से बड़ी टर्म कौन सी है, ये वाली बड़ी टर्म है, यानी अब ये बड़ी होगी। पहले आप 16 पे कहोगे कि सर पहले तो ये बड़ी आ रही थी, लेकिन हमेशा चेक करनी है बड़ी वैल्यू पे, तभी आपको पता लगेगा कि डोमिनेटिंग टर्म्स कौन सी है। दूसरा तरीका यहां पे क्या है, आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। सिंप्लीफाई कैसे करोगे, n स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं n डॉट n log n, लिख सकते हैं n स्क्वायर को, n n को ओपन कर लिया, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी तो n स्क्वायर हो जाएगा। इसको मैंने लिख लिया n log n और log n की पावर 9, मतलब log n की पावर 10 में से मैंने एक log बाहर निकाल लिया n, और बाकी कितना बचा 10। अब यहां पे हमने क्या किया, n log n से n log n कैंसिल, यहां बचा n और यहां बचा log n की पावर 9। अब log ले लेते हैं दोनों तरफ, तो log लेंगे तो यहां पे क्या हो गया, log n आ गया, log ऑफ log n
पावर 9, विच इज व्हाट, यहां पे तो लॉग एन ही है और यहां पे मेरे पास 9 जो है वो आगे आ जाएगा, 9 डॉट लॉग ऑफ लॉग एन। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कांस्टेंट का यहां पे कोई भी मैटर नहीं करता, कांस्टेंट यहां पे कोई मैटर नहीं करता, आप लिखो चाहे ना लिखो डजंट मैटर, क्योंकि हमारे पास जब भी हम ओपन करते हैं ओ या ओमेगा को हमारे पास सी होता है, सी मतलब कांस्टेंट, तो इस कांस्टेंट को नेगोशिएट करने के लिए हमारे पास ऑलरेडी एक सी कांस्टेंट है, तो आप इसको मत लिखो। तो यहां पे लॉग एन है और दूसरी तरफ लॉग ऑफ लॉग एन है, तो देखो लॉग एन और लॉग ऑफ लॉग एन में से बड़ी कौन सी है, लॉग एन टर्म है, तो लॉग एन किस में आ रही थी, इस वाले में लॉग एन आ रही थी, मतलब ये वाली टर्म आपकी क्लियरली बड़ी है किससे, इससे। तो अब आपका फाइनल आंसर आता है, सिंपलीफाई करके आपको और ज्यादा इजीली आंसर आ जाएगा, अदरवाइज अगर आप वैल्यू पुट करते तो हमेशा याद रखना बड़ी वैल्यू को ही पुट करना। तो अगर आप इसको लिखना चाहते हो इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर, तो आप क्या लिखोगे, F2n इज ऑर्डर ऑफ F1n, इसका मतलब क्या बना, F2n इज लेस देन इक्वल टू C डॉट F1n, इसी तरीके से आप लिख सकते हो F2n इज लेस देन सी डॉट एफ एन, तो देखो एफ एन जो है वो यहाँ पे बड़ा आ रहा है, मतलब जो भी आपको ऑप्शन आए चाहे बिग ओ आए ओमेगा आए उसकी टर्म में जो है वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो ये ऑप्शन मैंने यहाँ पे बनाए नहीं है, ये बाय डिफॉल्ट ऐसे ही मैंने यहाँ पे लिखे हैं, लेकिन जो भी ऑप्शन आपको आते हैं उस तरीके से आप चेक कर सकते हो। लेकिन मेन यहाँ पे पर्पस मेरा था कि इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आए हैं ट्राई टू सिंप्लीफाई इट और ट्राई टू पुट द लार्ज वैल्यूज। थैंक यू।